गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज विवेकानंद सिन्हा फ्रॉम फ्यूचर इन हैंड्स। फ्रेंड्स, हमारा 21 डेज चैलेंज खत्म हुआ, बट लर्निंग कंटिन्यूज रहेगा। और आज मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड द सक्सेस ऑफ दिस 21 डेज चैलेंज। फ्रेंड्स, यस, टुडे इज द डे वन ऑफ दिस 21 डेज चैलेंज। टुडे इज द थर्ड डे ऑफ दिस 21 डेज चैलेंज। टुडे इज द सिक्स्थ डे ऑफ दिस 21 डेज चैलेंज। टुडे इज द 10th डे ऑफ दिस 21 डेज चैलेंज। टुडे इज द 13th डे ऑफ दिस 21 डेज चैलेंज। यस, टुडे इज द 14th डे ऑफ दिस 21 डेज चैलेंज एंड वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड 2 weeks। टुडे इज द 16th डे ऑफ दिस 21 डेज चैलेंज। टुडे इज द 20th डे ऑफ दिस 21 डेज चैलेंज। टुडे इज द 21st डे of this 21 days challenge. Yes friends, this is the last video of this series. This is all possible because of your love and support. 3 very important points jo maine follow kiya hai, aur aap bhi agar isko follow karoge to you will be success. Jo bhi aapko kaam lag raha hai ki aapke liye tough ho raha hai, aap kar nahi pa rahe ho, just follow these 3 points jo maine follow kiya hai and I got success in this 21 days challenge. Sabse pehle main aapko batana chahunga why 21 days. 21 days hi kyun? Because scientifically this is proven ki agar koi kaam aap 21 days tak karte ho, so that becomes an habit. Aur agar wahi kaam ko 90 days tak karte ho without stopping, to aapka lifestyle ban jata hai. So to start with 21 days, ye maine challenge liya tha lagbhag 3 weeks pehle. Aur ये जो मैंने 3 पॉइंट्स अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो द फर्स्ट पॉइंट इज द पावर ऑफ विजुलाइजेशन। जी हाँ दोस्तों, पता है क्या है, जब भी आप कोई काम को करोगे, ऑब्वियसली वो काम टफ होगा या इजी होगा, दैट डज नॉट मैटर। आपको ये समझना पड़ेगा कि वो काम को करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो विजुलाइज करना है, जो सक्सेस आएगा वो विजुलाइज करना है। सो इसी तरह से मेरे साथ भी हुआ था कि जब मैंने ये प्लानिंग किया कि आई वॉन्टेड टू गो फॉर दिस 21 डेज चैलेंज, तो एक रिजल्ट माइंड में आया था कि अगर 21 डेज चैलेंज पूरा करता हूँ, नो इफ नो बट, अगर पूरा होता है तो क्या मिलेगा? आप लोगों का लव एंड सपोर्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, मेरे खुद के लर्निंग बढ़ेंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट है आप लोगों का एक कनेक्टिविटी रहेगा मेरे साथ। तो वो एक विजुलाइज कर पा रहा था मैं कि हाँ, अगर मैं ये कर लूँगा तो दैट वुड बी द फैक्टर। आप भी अगर कोई ऐसा काम करते हो तो ऑब्वियसली आप कोई एंड रिजल्ट के लिए करते होंगे। अगर वो एंड रिजल्ट आपने विजुलाइज कर लिया कि अगर ये करूँगा तो सक्सेस मिलेगा, तो कैसा होगा वो फीलिंग? मैंने फिर से आपको बताया कि आपको नेगेटिव थॉट लेके ये नहीं सोचना है कि नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, बिकॉज आप कभी भी नेगेटिव थॉट के साथ पॉजिटिव काम को कर ही नहीं सकते। तो माइंड में नेगेटिव थॉट नहीं रखना है, चैलेंजेस आएंगे बट वो रिजल्ट को आपको विजुलाइज करना है। तो मैंने भी ऐसे ही विजुलाइज किया था कि यस, आफ्टर 21 डेज कंप्लीट होने के बाद कैसा फील होगा। और बात मानिए फ्रेंड्स, आई एम फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी कंफर्टेबल, और एक नया सिंक मिल गया मुझे, एक नया पर्पस मिल गया और नए वीडियोस बनाने का, क्योंकि आप लोगों का बहुत प्यार और सपोर्ट मिला ये 21 डेज में। सो ऐसे ही आपको विजुलाइज करना पड़ेगा, और पॉजिटिव थॉट के साथ, कि रिजल्ट को विजुलाइज करना पड़ेगा कि रिजल्ट ऐसा होगा तो कैसा होगा। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज द फर्स्ट पॉइंट जो मैंने फॉलो किया। सेकेंड पॉइंट इज द पावर ऑफ रिटेन वर्ड्स। सो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि जब मैंने ये प्लान किया था तो मैंने ऑलरेडी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में और सब में मैंने लिख दिया था कि आई वॉन्टेड टू कंडक्ट दिस 21 डेज चैलेंज टू माई सेल्फ, और हमारे YouTube चैनल में भी मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट किया था कि यस आई वांटेड टू डू दिस। तो वो लिखना पड़ेगा, क्योंकि लिखने में बहुत पावर है। आप हर चीज को याद नहीं कर सकते, अगर हर चीज को याद ही कर पाते तो फिर ये नोटपैड, ये नोटबुक, ये पेपर पेंसिल, ये सब फिर नहीं होता, हर चीज माइंड में हो जाता। तो आपको लिखना पड़ेगा, और यहां पर मैंने फिर आपको बता दिया नो इफ नो बट, कोई नेगेटिव थॉट्स माइंड में नहीं रखना है काम करने के टाइम में। आपको ये प्रोसेस है, दिस इज द प्रोसेस, आपको लिखना पड़ेगा, तो आप भी कीजिए। नाउ द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। जी हाँ दोस्तों, आपने विजुलाइज किया कि ऐसा होगा, आपने लिख भी दिया, अब आपको क्या करना है, बता देना है लोगों को। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, और ये एक अनाउंसमेंट ही नहीं, ये एक चैलेंज है। इन द नेक्स्ट 21 डेज आई एम गोइंग टू क्रिएट 21 ट्यूटोरियल्स ऑन YouTube। वाओ, डिक्लेयर कर देना है बोल के कि आई वांटेड टू डू दिस एक्टिविटी, आई वांटेड टू डू दिस प्रोजेक्ट, आई वांटेड टू डू दिस वर्क, कोई भी काम हो सकता है, आप बोल दीजिए लोगों को, डिक्लेयर कर दीजिए। सो फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, द पावर ऑफ विजुलाइजेशन, द पावर ऑफ रिटन वर्ड्स एंड द पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, एंड ये तीनों पावर 3 PM मिलके आपको क्या कर सकता है आप सोच भी नहीं सकते हो। और जब भी आप ये काम करो ना, एक एक्साइटमेंट के साथ करो, एक पॉजिटिव थॉट के साथ कीजिए, एंड रिजल्ट को फोकस करके कीजिए, सक्सेस को एक एक्साइटमेंट होना चाहिए। और फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि यू कैनॉट डू पॉजिटिव एक्टिविटीज, पॉजिटिव वर्क विथ नेगेटिव माइंड। और आपको क्या लगता है, चैलेंजेस नहीं आए थे, ये 21 दिन में क्या पॉसिबल हो गया, कैसे हो गया पॉसिबल? यही 3 P मैंने फॉलो किया है, विजुलाइजेशन,
रिटन वर्ड्स एंड स्पोकन वर्ड्स, ये पहले मैंने फॉलो नहीं किया था ये एक्टिविटी, तो यूट्यूब में मेरे वीडियोस तो जाते थे बट ये एक सिंक में नहीं था, कभी जाते थे कभी मैंने आज सोचा करेंगे तो कल दिया, तो एक मतलब एक जो प्रॉपर ऑर्डर में था ना वो नहीं था, वो मिसिंग था। क्यों मिसिंग था? क्योंकि मैंने ये 21 डेज वाला एक्टिविटी नहीं किया था, ये 3P के पावर को नहीं समझा था। आपको क्या लगता है ये 21 डेज में वो चैलेंजेस नहीं आए होंगे? बिल्कुल आया था कि छोड़ो आज नहीं करते, आज लेट हो गया, कल रिकॉर्ड करेंगे, कल देंगे, बट अब था ना वो माइंड में 3 पावर, तो इसको आप न्यूरोसाइंस बोलो, इसको आप साइकोलॉजी बोलो, इसको आप साइंस बोलो, कुछ भी बोलो, जब आपको लगेगा ना कि हाँ ये नहीं हो पा रहा है तो वही 3P आपको ये करेगा, आपको ताकत देगा, नहीं यू कैन डू इट, क्योंकि आपने बोला है, लोग आपका वेट कर रहे हैं, आपने लिखा है, लोग आपको वेट कर रहे हैं, और वही 3 पावर आपके माइंड को सिग्नल देगा और आप फिर से काम करना स्टार्ट कर देंगे। और यहां पर आपको नो इफ नो बट, आपको बस इसको रिलीजियसली फॉलो करना है। आप भी फॉलो करके देखिए, आप जो भी काम कर रहे हो, जिसमें भी आपको लगता है कि ये मेरा नहीं हो पा रहा रेगुलर, 21 दिन तक वो काम करके देखिए, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं आपके लाइफ में वो इंप्रूवमेंट आ जाएगा, और वो कोई भी काम हो सकता है। मेरे लिए ये यूट्यूब वीडियो क्रिएट करना भी मेरा एक पार्ट ऑफ लाइफ है, तो इसको मैंने इंप्लीमेंट किया दिस 21 दिस चैलेंज के माध्यम से और इसको फॉलो किया। और फ्रेंड्स ये सच है, एक बोलते हैं एक कहावत है कि कोई चीज अगर आप मन से करो, एक सच्चे दिल से करो, एक पैशन के साथ करो, एक एक्साइटमेंट के साथ करो, एक कॉन्फिडेंस के साथ करो, तो पूरा कायनात आपके साथ लग जाती है उस काम को पूरा करने के लिए, और ये सक्सेसफुल है। बट ऑब्वियसली आप लोगों का लव एंड सपोर्ट के कारण ये और स्मूथली जा पाया। सो फ्रेंड्स जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और जरूर इंप्लीमेंट कीजिए जहां पर भी आपके लाइफ में लैकिंग एरियाज है, जो आप बहुत दिन से सोच रहे हो करेंगे हो नहीं पा रहा है, कभी कर रहे कभी छूट रहा है, कभी छूट रहा है फिर कभी कर रहे हैं, उसको इंप्लीमेंट करके देखिए ये 3 पावर को। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, द पावर ऑफ विजुलाइजेशन, आप विजुलाइज कीजिए उसके रिजल्ट को। सेकंड इज द पावर ऑफ रिटन वर्ड्स, उसको लिखना स्टार्ट कर दीजिए। एंड द थर्ड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, आप लोगों को बताना स्टार्ट कर दीजिए, बोलना स्टार्ट कर दीजिए कि यस मैं करूंगा और मैं करके दिखाऊंगा, एंड आई एम श्योर, मैं गारंटी देता हूं आप सक्सेस होंगे। सो फ्रेंड्स इसी के साथ ये वीडियो, ये ट्यूटोरियल, ये मेरा लाइफ का अपना एक्सपीरियंस, एक छोटा सा कदम एक बड़े सक्सेस को ले जाने का स्टेप्स, आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। टिल देन टेक केयर, बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।